आज हम इस वीडियो में हम लोग मल्टी टास्क क्वेश्चन के नंबर 4 वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, सो यू आर हेल्पिंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कार्बन कंपनी फॉर द ईयर इन द 31st December 2005 एंड योर इनिशियल फोकस इज ऑन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, टास्क वन में क्या कहता है, कार्बन कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन ऑफ विच द लैंड अकाउंटेड फॉर 2.5 मिलियन ऑन 1st January 2002। एट दैट इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द बिल्डिंग हैड एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फॉर द 50 ईयर्स। ओके, एंड कार्बन कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर द फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एट द फेयर वैल्यू एट 31st December 2005 एंड फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आर 6 मिलियन ऑफ विच लैंड अकाउंटेड फॉर 4 मिलियन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, so first क्या कहते हैं, when an entity does the value its land and building, it is compulsory to make annual transfer of excess or depreciation from the valuation surplus between earning. So this statement is false because वो हमारा compulsory नहीं है, हम लोग optional रहता है कि हम लोग उसको कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, वो चाहे उसकी पॉलिसी है कि ट्रांसफर करना एक्सेस डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस लेकर रिटर्न अर्निंग, तो वो करेगा। अगर ये एक ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है हर सब कंपनी के लिए, ठीक है, ये फॉल्स। सेकंड क्या कहते हैं, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अराइविंग एट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम लोग जो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो अराइज होता है, हम लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिखाते, उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को। तो ये भी फॉल्स है। थर्ड कहता है, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस इज अकाउंटेड फॉर एज एन एडजस्टमेंट टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी फॉल्स है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस कहीं नहीं आता है। सो ये भी हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो ए, अब बी नंबर, इंस्टेड अकाउंटिंग इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द रिवैल्यूएशन सरप्लस एट 31st December 2005। ओके, रिवैल्यूएशन सरप्लस फाइंड करना है। सो पहले क्या है, यहाँ पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग का दोनों कॉस्ट दे रहा है, तो बिल्डिंग का कॉस्ट पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जो हमारा अमाउंट क्या दिया है ऊपर 4 मिलियन, 4 मिलियन में से माइनस कर दीजिए आप 2500123 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो गया। अब बिल्डिंग की कैरिंग, एक कब का डेट भी लिख लेते हैं क्या, देखिएगा कब डेट क्या है हमारा, ऑन 1 जनवरी 2002 में, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ दी हुई है दैट इज 50 ईयर्स, तो हम लोग 15000123 डिवाइड बाय करेंगे 50। सो व्हाट इज द आंसर, आप करो 15000123 डिवाइड बाय 50, सो 30000 आएगा, ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन आया। अब डेप्रिसिएशन इधर फॉर 1 ईयर्स हो गया, मतलब 20x2 के लिए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे 20x3 के लिए, ये स्ट्रेट लाइन पे ही हो रही है कि नहीं, तो हम लोग इसको कब हुआ है रिवैल्यूएशन 2005, तो ये डेप्रिसिएशन 30000 इस ईयर भी हुआ होगा, ठीक है, कॉपी 2004 में भी हुआ होगा, 2005 में भी हुआ होगा। सो यहाँ पे डेट डाल देते हैं जो कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, 20x5। सो नाउ हमारा टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, टोटल
accumulated depreciation क्या है? आप करो 30,000 आया, कितने साल के लिए? 4 साल हुआ ना, तो आपका हो जाएगा 1200 ठीक है, ये हो जाएगा आपका 120,000 accumulated depreciation. अब कैरिंग अमाउंट फाइंड करते हैं. सो कैरिंग अमाउंट आपका था 1500123 माइनस 1223 क्या आ जाएगा? सो 138 12 ये कैरी अमाउंट ठीक है. सो अब इधर लैंड का कर लेते हैं ठीक है. लैंड का भी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है. सो लैंड का हमारा कॉस्ट क्या है? एक मिनट. ओके सो कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है हमारा? आपका लैंड का कितना दिया हुआ है? 250023 ये दिया हुआ है ना, 25,000 ठीक है. हाँ सुनो, इस पर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होती, इसका हम डायरेक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस निकाल लेते हैं. सो रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे वाले में क्या है? लैंड के लिए 400,000 4 1 2 3 1 2 3 माइनस 250023 सो इसका आ जाएगा आपका आंसर कितना? 400,000 1500 जीरो, इतने सारे कंफ्यूजन ना हो जाए. सो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस किसके लिए? लैंड के लिए ठीक है. सो नाउ हम लोगों को करना क्या है? अब इसका फाइंड करना है. सो इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस फाइंड करते हैं. रिवैल्यूएशन सरप्लस सो क्या है हमारा? इसका कॉस्ट सॉरी, इसका रिवैल्यूएशन पहले फाइंड करना होगा. रिवैल्यूएशन रिवैल्यूट कितना पे हुआ है? तो 6,00,000 थे पूरे रिवैल्यूएशन, जो फेयर एंड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 6,000,000 थे, जिसमें से आउट ऑफ 4,000,000 आपके लैंड के, 2,000,000 बिल्डिंग के लिए हो गया. तो 2,000,000 डाले. सो माइनस कैरिंग अमाउंट क्या हमारा? 138 1234 सो लेट्स डू ओके. सो 6,240 आ गया हमारा. सो टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या है? टोटल ये हमारा हो जाएगा 6,21234 प्लस आपका इसका क्या था? इसका निकालेंगे हम लोग, निकाले थे ना इधर. जस्ट वेट. कितना है ये आपका रहा? 1500123 इक्वल टू कितना आता है? ये आपका आएगा 21,204123 ये हो जाएगा ना टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस. अब हम लोग को करना है इसकी जर्नल एंट्री. क्वेश्चन यही पूछ रहा है इसके, क्या जर्नल एंट्री करेंगे. सो सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस हम लोग करते हैं. मैं शॉर्टकट डाल देती हूँ ठीक है. रिवैल्यूएशन सरप्लस हम लोग करेंगे क्रेडिट.
कैरेक्टर 2 1 2 1 2 3 4 3 0 कॉमन लेने के लिए बोला है, तो हम लोग 3 0 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला है 3 0 कॉमन, सो वी विल टेक ए 3 0 कॉमन एंड वी विल टेक एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, ठीक है। ये हो जाएगा डेबिट, कितना था टोटल हमारा एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन 1 2 0, ये भी 3 0 में कॉमन ले रही हूँ एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। एंड नाउ लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट लेंगे, ये भी डेबिट। सो अब बताइए इसमें हम लोग बिल्डिंग का लेंगे क्या कैरिंग अमाउंट एंड प्लस इसका कॉस्ट, या फिर आप 2 1 2 0 माइनस 1 2 0 कर दो तो 2000 आपका ये भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2000, ठीक है। सुनाओ ये हमारा हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन ने पूछ रखा था टैक्स टू, एट 1 जनवरी 2005 कार्बन कंपनी हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम टैक्स, ओके जस्ट वेट है सुनिए कर लेती हूँ, ओके हाँ। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम टैक्स अकाउंट 2.3 मिलियन एंड फॉर द ईयर इन 31 दिसंबर 2005 and so carbon company estimated that its income tax liability to be 22.4 million during 2005, income tax liability for the previous year was settled at 2350000. so आपको कंपनी का ईयर इनकम है 31 दिसंबर 2005, ठीक है। सो कंपनी ने एट द स्टार्ट में उसने क्या बोल रहा क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनकम टैक्स चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2005। सो अब हम लोग बनाएंगे लेजर, ठीक है, टैक्स का लेजर आता होगा सबको। सो ये हमारा इनकम टैक्स का लेजर मानते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स के डेबिट साइड में ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस क्या था एट जनवरी 2005 में 2300 123, ठीक है। उसके बाद में इस ईयर का एस्टिमेट क्या था, कैरी फॉरवर्ड आपका है 2400123 और हम लोग सेटल कितना में हुआ प्रीवियस ईयर का जो था, पेड कितना हुआ है 2350123, पीएनएल का अमाउंट यही फाइंड करना है हम लोग को, कितना आएगा 2350 प्लस 2400 कर दो माइनस 2300, सो ये आ जाएगा 2450123 जो कि यही क्वेश्चन ने पूछ रखा था आपका, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ सो कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। एक टोटल आ जाएगा आपका 4750123, सेम टोटल इधर भी आएगा, तो यही आंसर क्वेश्चन में पूछ रखा है पीनल में कितना जाएगा जो कि हम लोग ने निकाल चुके हैं, ठीक है। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज द इनकम टैक्स चार्जेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, सॉरी तो निकाल चुके हैं टैक्स 3 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कार्बन कंपनी ट्रायल बैलेंस एट 31 दिसंबर 2005 इज प्रेजेंटेड बिलो, ओके। तो शेयर कैपिटल आपका कैपिटल इतना है 10,030 कॉमन लिया है, रिटर्न अर्निंग एट 1 जनवरी 2005 ओपनिंग रिटर्न अर्निंग हमारा इतना है। सो ऑन 1 फरवरी 2005 कार्बन कंपनी मेड ए 1/4
1 February. Okay, so right issue at the issue price of 2.50 per share, and the right issue was fully subscribed and taken up by the shareholder. So ये हमारा year end का दिया हुआ है शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, और ये ईयर एंड से पहले ही हमारा राइट इश्यू हुआ है. सो यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करेंगे एट द स्टार्ट में हमारा शेयर कैपिटल था. लेट्स एज्यूम एट शेयर कैपिटल एट द स्टार्ट वाज एक्स. ठीक है, सो नाउ अब एक्स प्लस कितना 1/4 का, सो 1/4 इंटू एक्स करेंगे तो इक्वल, ये जो भी हमारा पहले शेयर कैपिटल एक्स था तो इस पर हम लोग 1/4 का बोनस इशू किए, सॉरी राइट इशू किए, राइट ही हाँ. सो तो शेयर कैपिटल इतना से बढ़ेगा क्योंकि 1 रुपया है ना उसका शेयर, इक्विटी शेयर का ये फेस वैल्यू. अब टोटल कितना है 10,000 अभी है. ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी. सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10,000 हो गया इंटू 4 इक्वल टू 5. ओके, सो 8,000 आया हमारा शेयर कैपिटल. सो नाउ डिफरेंस जो होगा वो हमारा राइट इश्यू का शेयर होगा. सो कितना 2,000 है. सो कितना है 10,000, 10,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 2,000. 30 कॉमन लिया गया, सो डोंट गेट कंफ्यूज. चलो सो एक आंसर हमारा हो जाएगा 2 मिलियन. सो हम 30 कॉमन ले रहे हैं, सो हो जाएगा 2,000. सो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल सेल टोटल प्रोसीड राइज एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग द राइट इशू. ओके, सो कितने पीस हुए हैं, ये हमारा हो जाएगा 2000. ओके, 2000 शेयर है इनटू 2.50. सो टोटल सेल प्रोसीड, टोटल प्रोसीड हो जाएगा हमारा 2000 इनटू करेंगे 2.50, 2.50, सो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,000. ठीक है, 30 कॉमन है मेरा, ये हो जाएगा बी का आंसर. ठीक है, यहाँ पे डाल देती हूँ बी, बना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ए. ठीक है, सो नाउ सी का, ठीक है, बोलते हैं व्हाट वाज द बैलेंस ऑन शेयर प्रीमियम अकाउंट एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग द राइट इश्यू. ओके, सो शेयर प्रीमियम में क्या बैलेंस होगा, सो शेयर प्रीमियम, ठीक है, सो इक्वल टू 2000 इनटू सो ब्रैकेट 2.50 माइनस 1, क्योंकि हमारा फेस वैल्यू 1 है, ओह अगेन 0 हो गया, 2.50 माइनस 1. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 2000 इंटू 1.50 करो आप लोग, 3000 आ जाएगा, ये हमारा शेयर प्रीमियम हो गया. ठीक है, सो नाउ टैक्स फॉर, यू आर प्रिपेयरिंग कार्बन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर इन 31st December 2005. आइडेंटिफाई वेदर और नॉट द ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. ओके, डिप्रेशन चार्ज फॉर द ईयर दिखाते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, नहीं, सो इट इज एक्सक्लूडेड. सो शेयर इशू मेड इन द ईयर, यस ये हम लोग दिखाते हैं, ये इंक्लूडेड होगा. प्रपोज डिविडेंड ड्यू टू बी पेड ऑन 26 February 2006, ये भी हम लोग नहीं दिखाते, ये भी एक्सक्लूड रहता है. इफ यही ईयर में अगर डिक्लेयर हुआ होता तब दिखाते. डिविडेंड पेड ऑन 28 October 2005, यस ये हम लोग दिखाएंगे, ये इट विल बी इंक्लूडेड. ये हो गया इसका टैक्स फाइव. ए कार्बन कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2005 वाज 28% इन कंपैरिजन विद द 24% फॉर द प्रीसीडिंग ईयर. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी
plausible reason for the increase in gross profit margin during 2005. Okay, so distribution cost reduced during 2005. एक बात बताओ, gross profit जब लोग आते हैं उसके बाद में हम लोग distribution cost minus करते हैं, उससे पहले कुछ लेना देना होता है distribution cost से? नहीं ना, तो ये हमारा नहीं होगा. तो next क्या कहता है, carbon company sold more goods during the 2005 due to successful marketing campaign early in the year. इससे भी हमारा gross profit margin पे कुछ impact नहीं आएगा. So now लास्ट ऑप्शन बचता है ये ऑप्शन सी. और हमारे बुक में भी कुछ दे रखे हैं कपलाइन में कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किस किस वजह से चेंज हो सकता है. तो हमारे बुक में 6 पॉइंट है एज आई रिमेम्बर, आप उसको भी लर्न कर लो. ठीक है, हर एक रेशियो का वो चेंज कैसे होता है, क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या नॉर्म्स है, ये आप याद कर लो. बुक में अच्छे से दिया हुआ है इसके बारे में. सो ये हम सेल्स में सी आंसर होगा. ठीक है ना, 5 नंबर करते हैं मार्कस का. So you are helping to prepare the financial statement of Marcus for the year ended 30 April 2005. There are number of accounting issues to deal with before the financial statement can be finalized. Okay, tax one. During the year, problems were experienced with the goods from a particular supplier in total goods which was cost 300,000 inclusive of sales tax 20% was returned to supplier. State the accounting entry required to record this return of the goods to supplier. Okay, this accounting entry पूछ रखी है. So हम लोग करते हैं यहाँ पे Marcus. ठीक है, Marcus का tax one. अब अकाउंटिंग इंट्री पूछ रखी है. क्या है क्वेश्चन, आप क्या बोलता है, आपने गुड सप्लायर को रिटर्न किया. सो तो आप क्या हो, कस्टमर और सप्लायर के लिए ना, तो इसका जर्नल इंट्री क्या करते हो, पहले क्या कहते हैं परचेज, अब क्या कर रहे हो परचेज रिटर्न. सो परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड. सो रिटर्न आउटवर्ड हम लोग क्या करते हैं, पहले हो जाएगा पेबल्स. पेबल्स कंट्रोल अकाउंट दिया, कोई नहीं, कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे. पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेबिट, घटेगा रिटर्न करें, जिसमें टोटल अमाउंट आएगा 20 इंक्लूसिव ऑफ, वो इंक्लूड किया हुआ उसमें 300 and 23. ठीक है, 30 कॉमन लेने को बोला ना क्वेश्चन में, तो 30 कॉमन ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, एंड उसके बाद करेंगे परचेज रिटर्न डेबिट. अब अमाउंट फाइंड करना होगा कि वो अमाउंट में हम लोग का सेल्स टैक्स इंक्लूड है. सो 300 × 20 / 120, सो 50 हमारा सेल्स टैक्स आ रहा है. ठीक है, सेल्स टैक्स डेबिट 50 हो जाएगा, एंड आपका परचेज रिटर्न 250 हो जाएगा. 250. ठीक है, ये हो गया हमारा टैक्स वन. सो टैक्स टू क्या कहते हैं वो देखते हैं. Okay, during the year Marcus withdrew goods from the business for his personal use. Goods cost 15,000 and had a sales value of 20,000. So state accounting entry required to record withdrawal of the goods from the business by Marcus for personal use. So drawing what drawing में क्या हम लोग करते हैं, drawing DR to क्या purchase घटाएंगे, purchase credit amount क्या दिया हुआ है 115. मैं 15 लिखूंगा क्योंकि 30 कॉमन लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में ऑलरेडी. और हम लोग 20,000 इसलिए नहीं लिए क्योंकि उतना पे हम लोग सेल करने वाले हैं, पर उस गुड का एक्चुअल कॉस्ट तो 15 है. हम लोग कॉस्ट क्या बोलते हैं इन्वेंट्री में भी तो कॉस्ट या एनआरवी जो लोअर होता है वही दिखाते हैं, तो ये 15 दिखाएंगे हम लोग. ठीक है, ये हो जाएगा उसके बाद टैक्स 3. टैक्स क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर मार्कस इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर हिज कस्टमर. ओके, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर शुड बी इंक्लूडेड एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये इनकरेक्ट है. ट्रेड डिस्काउंट हम लोग एट द पॉइंट ऑफ सेल तुरंत ही हम लोग उसको उसी वक्त माइनस करके तब उसका हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं. सो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, जिसको हम लोग एक्सपेंस की तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं. सो नेक्स्ट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू
At the point of sale, when the customer is not expected to take advantage of the early settlement discount terms offer, ये भी false है because जब customer expect नहीं कर रहा है तो हम लोग उस time ये early settlement discount हम लोग minus नहीं करते हैं, so जितना पे उसका sale हो रहा है वही value हम लोग exactly no down करते हैं, so ये भी false है. तो point third, early settlement discount earned from suppliers should be included in the statement of profit and loss. Yes, ये हम लोग profit and loss में no down करते हैं as an इनकम. ठीक है, सो टास्क फोर, यू आर नाउ डीलिंग विद द एक्वी एंड प्री पेमेंट रिक्वायर्ड एट 30 अप्रैल 2005. यू हैव बीन एडवाइज दैट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 18,000 पेड ऑन 31st दिसंबर 2004 वाज टू कवर 12 मंथ पीरियड 31st दिसंबर 2005 एंड यू हैव आल्सो आइडेंटिफाइड दैट द फॉलोइंग ए लॉन्ग डिस्प्यूट विद द कस्टमर देयर विल बी लीगल फी टू बी pay amounting to 6,000. Complete is the following three statements in relation to the information contained in the tax. Okay, accounting for insurance accrual of prepayment will increase or reduce profit for the year in 30 April 2005. Okay, so उसने insurance कब किया, pay किया, पहले हमारा year end कब है, 30 April, मैं यहाँ पे लिखती हूँ year end पहले, ठीक है, ये बहुत important होता है, वरना यहाँ पे confusion हो जाती है क्या. Tax 4, ठीक है, सो हमारा ईयर स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट कब हो रहा है एंड इधर लिखेंगे एंड, ठीक है, सो एंडिंग कब है, 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2005, ये ना स्टार्ट कब होगा, अप्रैल मई होगा, 1 मई 2004 हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग इंश्योरेंस कब पे किए, इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 पे किए दिसंबर में, दिसंबर 2004 को, एंड ये 12 मंथ कवर करता है, सो दिसंबर 2004 को पे किए, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 5 महीना हो चुका है, कितने महीने का प्री पेमेंट है वो अभी, सॉरी 4 महीना हुआ है, 5 महीना दिसंबर हो गया खत्म, ओके हाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना हुआ, तो हमारा 8 महीने का प्री पेमेंट है, तो प्री पेमेंट कैलकुलेट करेंगे, इंश्योरेंस प्री पेमेंट लिख लेते हैं इक्वल टू कितना, 8 / 12, ठीक है, इनटू कितना पे किया है, उसने 18,000 पे किए हैं, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा दोस्तों, 18,000 × 8/12, सो 12,000 आएगा. ठीक है, ये इंश्योरेंस का प्री पेमेंट. नाउ दूसरा क्या बोलता है, यू हैव बीन आल्सो आइडेंटिफाइड, ओके आइडेंटिफाइड दैट द फॉलोइंग ए लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट विद कस्टमर देयर विल बी लीगल फी टू पे अमाउंट 6,000. ओके, सो अकाउंटिंग फॉर लीगल फी, ये क्या होगा हमारा, एक्रुअल की प्री पेमेंट, एक्रुअल होगा, ठीक है, और दूसरा ये इंक्रीज करेगा, ये रिड्यूस करेगा प्रॉफिट भी पूछ रहा है, तो हमारा इंश्योरेंस प्री पेमेंट हो रहा है, तो हमारा क्या है, एसेट्स है, एसेट है, ठीक है, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, पी इंक्रीज, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बोलते हैं, अब हमारा क्या है, ये लीगल फी हमारा एक्रुअल है, इस मीन्स हमारा लाइबिलिटीज बढ़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा. ठीक है, अब नीचे पूछता है, नेट इफेक्ट अपॉन द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 30 अप्रैल 2005 एज अ रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर द एक्रुअल एंड प्रीपेमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस एंड लीगल फी विल बी, प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज होगा कितना से, ये पूछ रहा है, तो 12,000 से इंक्रीज हुआ था और 6,000 से डिक्रीज हो रहा है, 12,000 माइनस 6,000 करेंगे तो 6,000 से इंक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीज बाय 6,000 होगा आंसर. ठीक है, सो टास्क 5, ए कॉलीग हैड प्रोड्यूस्ड द ट्रायल बैलेंस एट एज अ 30 अप्रैल 2005 व्हिच डज नॉट बैलेंस, ही देयरफॉर ओपन सस्पेंस अकाउंट फॉर डिफरेंस, ही हैज आइडेंटिफाइड सेवरल इशू एंड इज नॉट श्योर व्हेदर और नॉट दे मे कंट्रीब्यूट इन reconciling and clearing expenses. Identify whether each of the following item is relevant or not to reconcile in previous expense account. Okay. Sales return listed as a debit balance in trial balance. ये बताओ suspense account create करेगा कि नहीं, ये पूछ रहा है, तो ठीक है. So tax
5. तो फर्स्ट सेल्स रिटर्न आपने डेबिट बैलेंस दिखा दिया, सेल्स रिटर्न ऑलरेडी डेबिट बैलेंस ही होता है, फाइल बैलेंस. सो ये हमारा रिलेवेंट है कि नॉट रिलेवेंट, ये नॉट रिलेवेंट है. ठीक है, सेकंड पॉइंट, ए डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्डेड इन द कैश रिसीव बुक एंड क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इन द जनरल लेजर. सो डिस्काउंट रिसीव जनरल लेजर एंड रिकॉर्डेड इन द कैश रिसीव बुक. सो ये हमारा रिलेवेंट है क्योंकि कैश रिसीव बुक हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री है. वी टोटल पोस्टेड पीरियोडिकली हम लोग पोस्टेड करते हैं जनरल लेजर में. सो डबल एंट्री क्या होता है डिस्काउंट रिसीव की, डेबिट पेबल्स एंड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव. ठीक है, तो यहाँ पे ओनली एक पार्ट पोस्ट हुआ है जो हम लोग डिस्काउंट देख रहे हैं ना, क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव, ओनली वन पार्ट आपने पोस्ट किया, मतलब पेएबल वाला पार्ट आपने छोड़ रखा है. सो उसको हम लोग पोस्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे. सो ये हमारा रिलीवेंट है. सो थर्ड पॉइंट, टोटल ऑफ द परचेज डे बुक फॉर द मार्च वाज डेबिटेड टू द ट्रेड पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट. ओके, सो परचेज डे बुक में क्या करते हैं, परचेज डे बुक हम लोग क्रेडिट में जो परचेज करते हैं वही नोट डाउन करते हैं. तो इसका जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेज डेबिट टू पेबल्स क्रेडिट. तो हमने क्या किया, डेबिट कर दिया पेबल्स को और क्रेडिट कर दिया परचेज को, उल्टा कर दिया. तो ये हमारा नॉट रिलेवेंट है, ये रिवर्सल एंट्री है. इसको फिर से हम लोग रिवर्स करेंगे तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा. सो ये रिलेवेंट नॉट रिलेवेंट है. Fourth point, the cost of machine purchase during the year was debited to repairs account as 8080 and credited to cash account as 8800. So ये हमारा suspense account create करेगा क्योंकि दोनों में हम लोगों ने दो amount डाल दिया है. So ये relevant है. ठीक है, so now अब हम लोग 6th number पे fire company पे जाते हैं. ठीक है, तो फायर कंपनी में क्या प्रिपेयर करना है हम लोग को. सो यूजिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर फायर कंपनी वर्क कंपनी फॉर द यूजिंग द ईयर फॉर द ईयर इन द 30 जून 2005 इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. ओके, सो हम लोग को ये कॉपी कर लेते हैं और यही भी पेस्ट कर देते हैं, सही रहेगा. पेस्ट होगा क्या, यस एग्जैक्टली हुआ. फिर हम लोग ये भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं. सो ये इजी हो जाएगा. कॉपी कोई नहीं, एक एक करके करते हैं. सो ओके, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है तो हम लोग पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं. ठीक है, सो पहले दिया है दो चीज. ठीक है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, तो हम लोग कौन सा लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे. तो ये हम लोग एक हटा देते हैं, ये हम लोग देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, सुनाओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है वो देखते हैं, ऊपर में दिया होगा. एंड एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, इंटरेस्ट पेएबल आपका इसमें दिया है कि नहीं. अगर इसमें नहीं दिया होता हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, बाद में इंटरेस्ट में यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे आकर घटा देंगे. तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा, दैट इज 31,000. सो वी विल टेक, ठीक है, 31,000. सुनाओ अब हम लोग वन बाई वन एडजस्टमेंट देखते हैं. Thank you.
अब हम लोग डेप्रिसिएशन पहले एडजस्टमेंट करेंगे, वही दिया होगा तो हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं डेप्रिसिएशन। ओके सो डेप्रिसिएशन हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है या फिर हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा वो भी देखना होगा। तो क्या दिया है यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर इन 30 जून 2005 फायर को कंपनी डिस्पोज सेवरल आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर सेल प्रॉफिट ऑफ 8 मिलियन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल वाज 2 मिलियन इज इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज 15 मिलियन। सो 30 कॉमन ले रखा है क्वेश्चन में तो हम लोग भी लेंगे 30 कॉमन। तो कितना है 1500 सिप लेंगे। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ पे लिख देती हूँ, ये ऐड करना होगा हम लोग को, ठीक है। तो ये भी लिख चलते हैं, ये ऐड होगी सबट्रैक्ट, ठीक है। सो नाउ लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। सो ऊपर में दिया, यहाँ पे दिया हुआ है लॉस ऑन डिस्पोजल भी, दैट इज लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 2 मिलियन इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स 200,000। 30 कॉमन देंगे, ये ऐड होगा, ये भी प्रॉफिट होता तो हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। नाउ इंटरेस्ट पेएबल, एज हम लोग को नीचे दिया है तो अभी हम लोग माइनस करके तब हम लोग टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिए थे। सो नाउ इंटरेस्ट पेएबल कितना है ऐड करना होगा, पहले हम लोग ने माइनस किया था दैट इज 750, तो अभी भी ऐड करेंगे यहाँ पे। So it will be added. Now change in inventories. ये अब हमारा increase हो रहा है कि decrease, उसके according ये add subtract करेंगे। So हम इसमें देखेंगे inventory हमारा increase हो रहा है कि decrease। So year end ये पहले का या अभी का, So हमारा increase हो रहा है 6000 से, तो हम लोग minus करेंगे 6000, ठीक है। सो ये सब्ट्रैक्ट, अब होगा रिसीवेबल। रिसीवेबल में हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो भी माइनस करेंगे -5000 सब्ट्रैक्ट। सो नाउ पेबल, पेबल से हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सो इसको ऐड करेंगे कितना 6500 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट पे क्या है। सो नाउ ये हमारा हो गया चेंज इन रिसीवेबल, पेबल्स भी हो गया। ये हमारा पेबल्स का है बैलेंस, एंड सॉरी इन्वेंट्री से आ गया। सो ऊपर वाला हमारा क्या है, चेंज इन रिसीवेबल्स, ठीक है। सुनाओ अब ये जो यहाँ से जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सो इसको आप लोग करो सब्ट्रैक्ट ऐड, क्या है कितना आएगा 31,000 प्लस 1500 प्लस 2000
plus 750 and minus 6000 minus 5000 and plus 6500 you will get 30750 पॉजिटिव में. अब इंटरेस्ट पेड निकालते हैं, ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं. सो ओके, अब इंटरेस्ट पेड पहले हम लोग इंटरेस्ट पेड में देखेंगे कि हमारे लाइक एसओपी में कुछ दिया है कि नहीं, एक्रुअल या एक्रुअल इंटरेस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड कुछ दिया हुआ है इस टाइप का इंफॉर्मेशन. सो नहीं दिया, सो हम लोग वही इंटरेस्ट पेबल जो उस टाइम ऐड किए थे अब वही माइनस करेंगे. सो दैट इज 750 था ना, माइनस 750 करेंगे, सब्ट्रैक्ट. नाउ टैक्स पेड, ये हम लोग को निकालना होगा टैक्स पेड के लिए, तो मैं साइड में रफ कर देती हूँ. ओके, सो टैक्स पेड ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड इधर होगा, सॉरी टैक्स पेड नहीं, टैक्स पे टैक्स का बस डाल देती हूँ, इनकम टैक्स. ओके, सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस इधर डालेंगे हम लोग, ठीक है. सो कितना ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हम लोग को एसओपी में दिया होगा, ये इनकम टैक्स 10,000 ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है. सो 10,000 एंड कैरी फॉरवर्ड इधर आएगा, कैरी फॉरवर्ड दैट इज 6500 और पीएनएल का आइटम यहाँ आएगा, पीएनएल का कितना है ऊपर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में दिया होगा, इनकम टैक्स में 6000 ये हो जाएगा आपका 6000. सो टोटल करो, आप टोटल आएगा आपका 16000 और इधर भी आएगा टोटल आपका 16000. सो यहाँ पे पेड कितना होगा एक्चुअल 9500, कैलकुलेट करके देखो 16000 लो और माइनस आप करो 6500, सो 9500 यही हमारा जो बैलेंस एक्चुअल में चाहिए कैश फ्लो के लिए. सो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे वर्किंग वन डाल देते हैं, W1. सो यहाँ पे भी डाल देते हैं इंडिकेशन कि हम लोग W1 से कैलकुलेट किया है ब्रैकेट में करके W1, ठीक है. अभी भी घटेगा कितने से, माइनस 9500. सो अब निकालो, ये जो आएगा ये होगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो क्या आंसर आएगा इसका, कैलकुलेट करो. सो ऊपर हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकाला था, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 30750 माइनस 750 करो और माइनस 9500 कितना आएगा 20500, ठीक है. ये हमारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं. यहाँ पे फाइनेंसिंग भी पूछा है, इन्वेस्टिंग ये हम लोग फाइनेंसिंग हटा देंगे, फाइनेंसिंग का भी कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो अभी हमारा आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है.
पहला क्या है, कैश परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये निकालने के लिए बोल निकालना पड़ेगा हम लोग को, वर्किंग करनी होगी कुछ। ये डाल देती हूँ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डिस्पोजल ऑन द, ये भी हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, नहीं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो ये चीज हम लोग देख के कर देते हैं। सबसे शॉर्टकट पीपी डाल देती हूँ, ठीक है। एंड डिस्पोजल प्रोसीड फ्रॉम पीपीई, सो फाइन। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस दिया हुआ प्लांट एंड एनसीए का, सो वॉकिंग टू ये कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है एंड कैरिंग फॉरवर्ड बैलेंस कितना है, 110 0 1 2 3, ठीक है। और डेप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ है, मैं शॉर्टकट में दूँ, डेप्रिशिएशन हमारा 15,000 था। एंड डिस्पोजल भी हुए हैं कुछ, डिस्पोजल कितने का हुआ है, डिस्पोजल यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब 8,000 में आपका सेल प्रोसीड हुआ है, ठीक है, 8 मिलियन में, एंड आपको उस पर लॉस हुआ है 2 मिलियन का, इसका मतलब आपका कैरिंग अमाउंट कितना था, 10 मिलियन। तो 10 3 0 कॉमन लेंगे, 10,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड रिवैल्यूशन सरप्लस भी हमारा बढ़ रहा है 2,000 से, सो रिवैल्यूशन सरप्लस भी डालेंगे, आर ऑब्लिक एस रिवैल्यूशन सरप्लस 2,000। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये हमारा परचेस फिगर होगा इस साल का जो परचेस किया है हम लोग ने, तो इसको पहले टोटल करो कितना आता है। सो कितना है, 110 1 2 3 0 प्लस 10,000 प्लस 15,000, यू विल गेट 135 1 2 3 0 एज ए कॉमन, और इसमें से माइनस करो 2,000 माइनस 93,000, यू विल गेट 40,000 एज ए परचेस, सो 40,000, ठीक है। और हम लोग को डिस्पोजल यहाँ पर दे रखा है, दैट इज 8 मिलियन, हम लोग 3 0 कॉमन लेंगे, दैट इज 8,000। सो यहाँ पे हम लोग 8,000 ये डालो, ऊपर में 40,000, ये हमारा प्रोसीड हुआ है, तो हाँ ये मीन्स कैश इनफ्लो, और ये परचेज मतलब करे कैश आउटफ्लो, तो माइनस होगा 40,000, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये छूट रखा है यहाँ पे भी, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट एंड ऐड। सो वन थिंग मोर, यहाँ पे ये मेंशन कर दूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड, इतना ही होगा ना इसमें, अब हम लोग को इनकम इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव कुछ दिया ही नहीं है, तो इतना ही होगा। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं, तो हम लोग को सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने हैं, तो ये इन्वेस्टिंग हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। एंड सो क्या है, रिपेमेंट ऑफ ए बैंक लोन, सो ये हम लोग एसओएपी में नॉन करेंट लायबिलिटी से कंपेयर करके पता चलेगा हम लोग ने कितना लोन रिपे किया है। सो रिपे कर रहे हैं लोन, इसका मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है, सो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सो यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी में देखो, आपने 10,000 लोन रिपे किया है, क्योंकि पहले 17,000 था, नाउ 7,000, 10,000 रिपे किया है, सो कैश आउटफ्लो 10,000 माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड नाउ आई थिंक प्रोसीड फ्रॉम शेयर होगा, सो या बोला प्रोसीड फ्रॉम शेयर इशू है, ये भी हम लोग देखेंगे, हम लोग ऊपर एसओएपी के इक्विटी पोर्शन में जाके कंपेयर करेंगे
शेयर कितने इशू हुए हैं, और शेयर कैपिटल को ही नहीं, शेयर प्रीमियम को भी हम लोग देखेंगे, दोनों को लेंगे, ठीक है? एंड पेस्ट, सो लेट्स मूव। देखो शेयर कैपिटल 5,000 से बढ़ रहा है, पहले 15,000 था, अब 20,000 हो गया। एंड शेयर प्रीमियम भी आपका 5,000 से बढ़ रहा है, पहले 3 था, अब 8 हो गया। तो मतलब ऑल टुगेदर 10,000 की प्रॉफिट हुई है। सो इनफ्लो हुआ है ना कैश, तो 10,000 ऐड करेंगे ऐड, ठीक है? आफ्टर दैट डिविडेंड पे हम लोगों को कहीं पे कुछ बोला नहीं गया है। एक और चीज बता दूं, जैसे यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, फायर कंपनी कम एस्टिमेट दैट इनकम टैक्स लेवी यूजिंग द ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 30 जून 2005 वाज 6,500,000। सो अगर ये हम लोग को क्या बोलते हैं, इसमें अगर बैलेंस पीएनएल में कुछ बैलेंस नहीं दिया होता, टैक्स माइनस नहीं किया होता, या फिर ये एसओपी में हम लोग को टैक्स का बैलेंस नहीं दिया होता, हम लोग यही बैलेंस को एज्यूम माइनस करते हैं टैक्स पेड में। जब इनफ्लो एक्टिविटीज माइनस करते हैं टैक्स में, यही टैक्स माइनस करते हैं। तो हम लोग को पीएनएल में अमाउंट दिया हुआ है, हम लोग को ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इतना, हम लोग कितना पे किया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ डिविडेंड पे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कुछ कहीं की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर है। तो नाउ वर्किंग तो रिटेन अर्निंग ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, ब्रॉड फॉरवर्ड है हमारा 85,000, और प्रॉफिट एंड लॉस इसमें ऐड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ऊपर दिया होगा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट इज 25,000, 25,000 ऐड करेंगे 25,000। नाउ कैरी फॉरवर्ड कितना है, यहाँ पे जो डिविडेंड पेड किया है वो आएगा, वो फाइंड करना है हम लोग को। पहले इसको टोटल करो, आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, आप 85,000 प्लस 25 करो, 110,123 आएगा, कितना आया। अब इसको माइनस करो 96,000 इसमें से, सो विल गेट 14,000 दैट यू पे फॉर द डिविडेंड, ठीक है? सो जो कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड करने को, आई मीन फाइंड करना था फॉर द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो 14,000 हम लोग पे कर रहे हैं तो माइनस होगा, ठीक है? माइनस 14,000, सो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? नाउ यहाँ पे हम लोगों ने वो कैलकुलेट नहीं किया, एक सेकेंड है। सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है? सो कितना आएगा अमाउंट, कैलकुलेट करना होगा। सो माइनस 32,000, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है? सो ये कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर लो आप लोग। सो 10,000 गया माइनस 14,000। अब हम लोग जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो आए ना, ये एक ये लेंगे, ये एंड आपका ये और ये तीनों को ऐड करते हैं। सो कितना अमाउंट आता है वो देखते हैं। सो कितना आएगा, 205,000 माइनस 32,000 एंड माइनस 14,000, ये आ जाएगा आपका
ठीक है, सो हम लोग को ये कैलकुलेट करना होगा। ओह, डिप्रिसिएशन यहाँ पे 15,000 होगी, तो ये भी चेंज होगा, कितना हो जाएगा आपका 31,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 250, ठीक 6,000, 5,000 एंड प्लस 6,500। सो यहाँ पे आएगा आपका 44,250, वो मिस्टेक हो गई थी। सो माइनस 750 करो, माइनस 9,500 करो, तो ये आ जाएगा आपका 34,000। ठीक है, सो नाउ आपका नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज पता करना है कितना हो रहा है। सो 34,000 माइनस 32,000 करो एंड माइनस 14,000 करो, सो यू विल गेट माइनस 12,000 नेट डिक्रीज इन कैश। कितना आएगा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस तो सॉरी फ्रेंड, लाइट मेरी लाइट चली गई थी, सो वाईफाई का लाइन कट गया था। सो नाउ हम लोग ये आ जाएगा हमारा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, सो नाउ अब हमारे पास कैश एट द स्टार्ट में कितना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट कितना था। सो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसओएपी में, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000। और ये भी चेक कर लेना कि आपको कोई बैंक ओवरड्राफ्ट इन करेंट लायबिलिटी दिया है कि नहीं। जैसे यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, नहीं ले, चलो कोई बात नहीं। सो 10,000 हो जाएगा ऑल टुगेदर। सो नाउ अब इनको आप ऐड करो तो कितना आएगा, माइनस 2,000। सो यही हमारा कैश एट द एंड ऑफ द ईयर होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड होगा। अब इसको मैच करोगे आपके, देखो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10, अभी माइनस में आ रहा है मीन्स ओवरड्राफ्ट, तो कैश इक्विवेलेंट नहीं ले, अब बैंक ओवरड्राफ्ट में 2,000 दिया हुआ है, सो ये माइनस फिगर, इट मीन्स हमारा बैलेंस करेक्ट है। और ये हम लोग कैश फ्लो भी जो प्रिपेयर किया ये करेक्ट है, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं अगर आपका ये मैच कर रहा है तो। ठीक है,